देखिए, जो कल हमने अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग वुमेन डे के ऊपर जो शंभू और खनौरी के ऊपर देशभर की या उत्तर भारत की जो इन बॉर्डरों से सटे हुए राज्य हैं उनसे जो महिलाओं को आह्वान किया था कि वह बॉर्डरों पर पहुंचे और इस आंदोलन को अगर विजयी करना है तो इस आंदोलन में औरत की क्या भूमिका होगी, इस पे ऊपर हमने बातें की। तो कल जिस तरह से सरकार अपनी ओर से हमारे खिलाफ प्रचार कर रही है, ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं है, तो हमने देखा जिस तरह से एक दिन पहले हमने आह्वान किया था, अगर हम 10 दिन या एक महीना पहले आह्वान करते तो हमें लगता था हमारे पास जगह ही नहीं है। तो कल भी जितना हमारे पास स्थान था वो छोटा पड़ गया और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हमारी पड़ी थी। तो उतने एक दिन के पहले आह्वान से इतनी बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा खासकर इन राज्यों से बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची, वो सफल कार्यक्रम हुआ हमारा, इसके लिए हम महिलाओं का धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जितना मर्जी लंबा आंदोलन चले, आगे चाहे पंजाब में आप गेहूं की कटाई का समय भी आएगा और धान की रुपाई का भी आएगा, दोनों समय औरतें जो है ये मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा जब तक आंदोलन चलेगा तो हमारे उनके बेटे, उनके घर वाले, उनके ससुर, उनके जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो घर का काम संभालेंगे और आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। दूसरा, जहां तक कल के रेल रोको आंदोलन का सवाल है, ये पूरे भारत में होगा, जिस तरह से आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, लगभग साउथ इंडिया में सभी जगहों पर रेल रोको आंदोलन सफल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, लगभग पूरे देश भर में जो हमें खबरें अभी पूरी पुष्टि कहां कहां होगा, लगभग महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन हमारा होगा, तो ये पूरे देश भर में होगा। हाँ, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां किसानों के ऊपर जुल्म भी होगा, उनको आज रात में डिटेन भी किया जा सकता, कल भी छापेमारी होगी, रोका भी जाएगा। हमने कहा भाई जहां तक आप जा सकते वहां तक आप जाइए, और हमने तो रोष भी प्रकट करना है, तो अपना रोष प्रकट किए भी हमारा रेल रोकने के पीछे मकसद है कि जो हमने देश के सामने, देश की सरकार के सामने ये मांगे रखी, हम उन रोष करके ये मांगे मनवाना चाहते हैं, हमारा तो यही मकसद है। तो इस तरह से ये उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा सफल होगा और पंजाब का कार्यक्रम तो हमारे पास ही है। जिस तरह से आप देखेंगे अमृतसर में देवीदासपुरा, रैया, कत्थूनगल, जयंतीपुर, कोटला गुजरा, जहांगीर, पंदेर, रमदास, और इससे अलावा भी संभव है। जिस तरह से तरन तारण में खडूर साहब, तरन तारण पट्टी, गुरदासपुर में बटाला, गुरदासपुर फतेहगढ़ चूड़िया, होशियारपुर में टांडा होशियारपुर स्टेशन, जलंधर में जलंधर कैंट, फिलोर, फगवाड़ा, अन्य जगह पर भी हो सकता, कपूरथला में सुल्तानपुर रोजी, भरोजपुर में बस्ती टैंका वाली, गुरु हर सहाय, मखू, मानावाला, फरीदकोट में फरीदकोट स्टेशन, जैतो, मोगा में मोगा स्टेशन, डिगरू, मुक्सर में मलोट पर होगा, फाजिलका में फाजिलका स्टेशन होगा, बठिंडा, रामपुरा पुल और अन्य जगहों पर भी होगा, मलेरकोटला में अहमदगढ़, मानसा में मानसा स्टेशन, पटियाला में सुनाम, शंभू यहां पर भी होगा, मोहाली में लालड़ू, पठानकोट में दीनानगर, लुधियाना में समराला, मुल्लांपुर, जगराओं, इस तरह से फतेहगढ़ साहब, रोपड़ और दो जिले अन्य, लगभग पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन 12 से 4 बजे तक होगा। तो हम जिस तरह से माताओं बहनों ने यहां पर इस हमारे कल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो ये रेल रोको आंदोलन में भी अधिक से अधिक उनको पहुंचना चाहिए। जिस तरह से आज हमें जो शेड्यूल माननीय प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, वो अपनी चौन कैंपेन के ऊपर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो आज शाम को वो पूजा भी करेंगे भगवान के लिए। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, उन्हें फिक्र हो कि जो शंभू बॉर्डर पर, अन्य बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं वो क्या मांग रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
देश के किसान खेत मजदूर के ऊपर ध्यान देंगे तो भगवान अधिक खुश होंगे। हम यही ऐसा करेंगे, भगवान सद्बुद्धि दे, प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दें। और अभी हमने जो लगता है जिस तरह से सभी देश की हमारी पार्टियां और स्वयं सरकार जिस तरह से सत्ता हथियाने के लिए चल पड़ी है, तो हमें नहीं लगता उनके एजेंडे पर किसान मजदूर का एजेंडा है। लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि विरोधी पार्टियों को और सरकार को भी ये एजेंडा मानने के लिए मजबूर कर देगा। अब तो हमने निर्णय ले रखा है भाई कि जब तक सरकार चाहेगी आंदोलन चलेगा। देशवासियों को, पंजाबियों को पूरी तरह अपील करते हैं, ये 6 महीने चले, साल चले, 2 चले, तब तक चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। उस तरह से अपना माइंड सेट कर लें भाई आप, तो ठीक है ये सरकार की। दूसरा, हमारा रोड पर बैठना, आंदोलन करना अनक का सवाल नहीं है। सरकार आज हमसे बैठ के वार्ता कर ले, हमारी मांगे मान ले, खुशी से घर को जाएंगे। अगर सरकार वार्ता नहीं करती या हमारी मांगे नहीं पूरी करती तो भाई फिर हमारा मजबूरी है, ठीक है। 118 किसान और खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे मालवे में एक घर में कर्ज के कारण खुदकुशियां, 3-3 विधवाएं हैं। ये देश के अन्य राज्यों से महाराष्ट्र है, वहां भी खुदकुशियां कॉटन बेल्ट में बड़े तपापत, उड़ीसा में भी आप देखें, बहुत से अन्य राज्यों में इस तरह से चल रहा। तो देखिए हमारी मांगे, हमारा रोजी रोटी का सवाल है। तो ये देश का अर्धचारा खेती पर निर्भर है, खेती खत्म हो जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। अब हम आशा करेंगे प्रधानमंत्री जी जल्द निर्णय लेके इस मोर्चे का सुखद हल निकालेंगे। हाँ देखिए 3-4 यूनियंस हैं जो इस 10 के रेल रोको आंदोलन में तालमेल से रेल रोको आंदोलन कर रही है, अच्छी बात है। इसके अलावा किसानों, जो दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे थे लगातार, वो स्थिति भी अभी क्लियर कर दीजिए कि कौन कहां तक पहुंचे, अभी कोई और डिटेन भी हुए हैं या कुछ आपको किसान वापस पता लगा है कि उनको छोड़ दिया गया जैसा कि आपने कहा था डिटेन है, तो कुछ उसमें? देखिए कुछ किसानों के छूटने की खबर तो है, ठीक है, कुछ की अभी क्लियर नहीं है। तो एक ही जथा है अब हमारा, तो जो केरला का है, और अब हम निर्णय लेंगे भी भाई। ये बात तो साफ हो गई कि ये आपको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, तो इस काम को अब स्टॉप इट किया जाए, रोका जाए, तो आज हम निर्णय ले लेंगे। तो क्योंकि अब राजधानी में जाने नहीं देना भाई, अब उनका फायदा क्या, जब उन्होंने फैसला ही कर लिया। अभी किसी भी राज्य से आप निकलेंगे तो आपको वहां पर डिटेन करेंगे, अगर राजधानी में चल गए वहां। जो हमारा काम था वो हो गया, जो कहते थे भी समस्या ट्रैक्टर ट्रॉली की है, ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाएं तो आप आ जाएं, तो वो समस्या अब खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। जहां हरियाणा से भी कुछ संगठन अपनी तरफ से बड़े थे, उनको भी कल जाने नहीं दिया। तो ये हम देश के, दुनिया के साथ जो बात रखना चाहते थे वो हमारी हो गई भी। ये किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली में इंटर नहीं करने देंगे, सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का है ही नहीं। तो हमने बात वो कर ली लगभग, और जब पंजाब हरियाणा वालों ने यहाँ बोला भी हम यहाँ स्टे करेंगे, तो हमने भारत सरकार से ये भी मनवा लिया कि ये अकेला पंजाब का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन, तभी आपने पूरी दिल्ली को घेर रखा है। तो दो काम हमारे हो गए। आपने जो रेल रोको का जिक्र किया एक बार, मैं उसमें ये आपसे समझना चाह रहा था कि जो बॉर्डर्स हैं, जहाँ जहाँ अभी किसान मौजूद हैं उनके या उनके आसपास, जो रेल रोको जब चल रहा होगा उस समय की स्थितियाँ क्या रहेंगी, वो भी क्लियर एक बार कर दीजिए। देखिए 12 से 4 ही रेल रोको, जहाँ बॉर्डर के, किसी बॉर्डर के पास में रेल रोको तो हो जाएगा, जहाँ दूर है वहाँ नहीं होगा। वहां तो देखे ना, जो ये आंदोलन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो हजारों हजार लोग है वो मोर्चे में यहाँ पर डटे रहेंगे, जो रेल रोको होगा वो और लोग आएंगे। जैसे हमारा बहुत बड़े संगठन है, पूरे 2 मोर्चे हैं हमारे, सभी जगह पर हमारा देश भर में होगा, वो अन्य लोग जो यहाँ आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन जिस तरह से पहले चल रहा है इस तरह से चलता ही रहेगा। और क्या सरकार से अभी कोई बातचीत हुई, कोई आने वाले दिनों में कोई गुंजाइश, कोई आपको आशा, उम्मीद, कुछ भी इस तरह की बात? हाँ देखिए आशा तो करनी चाहिए सरकार से। प्रधानमंत्री कल अर्जुन मुंडा जी ने बोला भी हमारे प्रधानमंत्री जी को किसानों मजदूरों का बहुत फिक्र है। अब देखे उन्होंने बात करनी है चाहे नहीं करनी, उनकी मर्जी भाई।